हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्राफ्टी आर्टी। आज मैं बना रही हूँ एयर ड्राई क्ले, जिससे कि इस तरह के आर्टिकल्स हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कॉर्नफ्लावर, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल MR, थोड़ा सा रिफाइन ऑयल यूज़ किया है मैंने। इससे क्ले नॉन स्टिकी बनता है और मॉइस्चराइज्ड भी रहता है। और थोड़ा सा वैसलीन, सिर्फ इन चारों चीज़ों को मिला करके ही बहुत अच्छा क्ले बन जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्ले बन जाता है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ, इसमें मिला रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके फेविकॉल MR। फेविकॉल MR ही यूज़ करना चाहिए, तभी डो की कंसिस्टेंसी सही, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सस्ते वाले ग्लू लेने से ये क्ले बहुत अच्छी नहीं बनती है, हार्ड हो जाती है बहुत जल्दी। थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लेकर ही डो बनाएंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना डो चिपचिपा हो सकता है। अब इस स्टेज में देखिए, जिस तरह से चिपचिपा है अभी, अब इसी स्टेज में थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जो डो है वो मॉइस्चराइज रहेगा और हाथों में चिपकेगा नहीं। ऑयल लगाकर डो को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बार बार मिक्स करेंगे, तभी ये अच्छा डो तैयार होगा। अब इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा वैसलीन अपने हाथों पर लगा लूँगी, ताकि डो मेरे हाथों में बिल्कुल भी ना चिपके। ये देखिए, अभी चिपचिपा है। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, लगभग 5 मिनट तक इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। देखिए, हाथों में बिल्कुल भी नहीं स्टिक हो रहा है, मतलब हमारा क्ले जो है बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अभी ये थोड़ा स्टिक कर रहा है, क्योंकि ये क्ले तुरंत तैयार हुआ है। अब चेक करते हैं कि हमारा डो कैसा बना है। देखिए, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो बहुत सॉफ्टली ये स्ट्रेच हो रहा है। ये क्ले मैंने कल बनाया था और ये अभी थोड़ा सा हार्ड हो गया है, मतलब जितना हार्ड हमें चाहिए वैसा हो गया है। इसे स्ट्रेच करने पे बहुत सही स्ट्रेच हो रहा है। इस डो को ज़्यादा दिन तक सही रखने के लिए किसी ज़िपलॉक पाउच में, एयर टाइट पैकेट में भर करके रखना होता है।
पाउच में अच्छी तरह से पैक करके, एक एयर टाइट बॉक्स कोई भी घर पर हो उस पे रख देना चाहिए। इसे हम 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई फफून नहीं लगती है और बहुत अच्छे आर्टिकल्स इससे तैयार हो सकते हैं। ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल सा क्ले बनता है ये। इसमें कलर्स, एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाले भी और ट्यूब वाले भी यूज़ किया जा सकता है। और फूड पिगमेंट यूज़ कर सकते हैं, उससे कलर बहुत ही ब्राइट और सुंदर आता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसलिए मेरे पास ये कलर है, मैं यही यूज़ करती हूँ। जो क्ले मैंने कल बनाया था उसमें मैं कलर मिक्स करूँगी, थोड़ा सा कलर लेकर के बहुत अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी में मैं दूसरा कलर भी मिक्स कर रही हूँ, ऑरेंज कलर। ये होममेड कलर्ड क्ले, एयर ड्राई क्ले तैयार है, बिल्कुल 5 मिनट में तैयार हो चुका है ये, और इससे इतने अच्छे आर्टिकल्स बनते हैं। कलर्ड क्ले को भी छोटे छोटे पाउचेस में मैं भर कर रख देती हूँ, और जब भी मुझे कुछ बनाना होता है तो निकाल करके बना लेती हूँ। आप लोग भी इस तरह का क्ले बनाइए और इससे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बनाइए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये क्ले और मेरा वीडियो। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।